बेटमा होटल पर मारपीट, आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर। इन दिनों लगता है जैसे अपराधियों को कानून का कोई खौफ नहीं रहा है। दिन की बात करो या रात की, अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चले हैं कि वो किसी भी वक्त घटना को अंजाम देने से नहीं चूकते। ताज़ा मामला इंदौर के समीपस्थ बेटमा के समीप मांचल में देखने को मिला, जहाँ देर शाम ढाबा संचालक को गाँव के ही कुछ रसूखदार लोग सरेआम मारपीट कर चले गए। पूरी घटना ढाबे पर लगे CCTV में कैद हो गई। इंदौर के समीप बेटमा थाना क्षेत्र के मचल गांव में ढाबा संचालित करने वाले एक युवक और उसके साथ बैठे अन्य साथियों को पास के ही कुछ दबंगों ने होटल में घुसकर जमकर पीटा। इतना ही नहीं, दबंगों उस युवक को मारते पीटते मुख्य मार्ग तक ले गए। जिस वक्त ये मारपीट हुई, उस वक्त वहां मौजूद अन्य ग्राहक भी सहम गए। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई। मामला 23 नवंबर का है, जिसका वीडियो आज सामने आया, पर इतना होने के बावजूद अभी तक सभी आरोपी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। बेटमा से राहुल देवड़ा की रिपोर्ट। होटल पेट पूजा पे मारपीट का मामला आया सामने, इसमें क्या मामला है सर पूरा? इसमें दिनांक 23/11 को रात 8:30 बजे होटल पर मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत लेके तैयारी आकाश पर अरविंद जायसवाल आए थे। उनकी रिपोर्ट पर अपराध कायम किया गया और उन्होंने कान्हा खाती यहाँ से धावड़ा हुआ, उसके दो तीन अन्य साथीगणों के खिलाफ रिपोर्ट की। नाम पते उनको पूरे मालूम नहीं है, पतारसी करी जा रही है, उनके नामों की जानकारी निकाल के गिरफ्तारी की जा रही है। सर अभी तक क्या कार्रवाई हो चुकी है? अभी तक जो योजना संबंधी कार्रवाई घटनास्थल पर आए, उनके बयान लिया है और दो बार धरावड़ा गांव में रुके आए, क्योंकि उनके पिता के नाम ना होने से पता चलने में दिक्कत आ रही है, जल्द ही उनको गिरफ्तार करेंगे। सर आपका नाम और पद बता दीजिए। ASI वीरेंद्र सिंह गोवा।